गुड इवनिंग, सादर नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर सुमित यादव, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम हाजिर हुए हैं हमारे 10th के बोर्ड रिजल्ट के मेरे कंधे, मेरे साथी, मेरे वो टीम जिसके पीछे हमने इस रिजल्ट को एक बेहतर और सुंदर रूप दिया है। परिचय किस बेला में जी? नमस्कार, मैं यूनिक परिवार का सदस्य के रूप में धर्मवीर शास्त्री आप सभी का इस पावन बेला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रवीण जसोरिया, द फैकल्टी ऑफ साइंस इन यूनिक एकेडमी, रेस्पेक्टली यू आर वेलकम इन दिस सीजन। गुड इवनिंग ऑल द पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, माई सेल्फ योगेंद्र यादव। गुड इवनिंग ऑल द पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, माई सेल्फ संदीप कुमार शर्मा, इंग्लिश लेक्चरर इन यूनिक अकेडमी। मिस्टर वेद प्रकाश, गुड इवनिंग परीक्षा प्रभारी और यूनिक स्कूल का SST अध्यापक। आज के इस सेशन में कक्षा 10 के बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के विषय में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। हमारे यूनिक परिवार ने पूर्व के 13 वर्षों में भी इस प्रकार के बेहतर परीक्षा परिणाम रखे हैं, जैसा कि हम अपने पहले के लाइव सेशन में भी आपको बता चुके हैं कि यूनिक परिवार द्वारा पूर्व में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट्स, स्टेट लेवल मेरिट्स को काफ़ी बार अचीव किया गया है। इस सत्र के बोर्ड रिजल्ट्स में मेरे बेटा हुनेश यादव, पुत्र श्री सुरेंद्र यादव जी बाटखानी ने 97.50% अंक हासिल कर संस्थान का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। रिजल्ट की इसी बेला में मेरा सेकंड टॉपर बेटा दीपांशु यादव, पुत्र श्री निरंजन सिंह यादव माजरी, हमारे प्रिंसिपल सर का बेटा, जो संस्था का दूसरा प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहा है। रिजल्ट के इस क्रम में मैं आज अपनी टीम के साथ किस प्रकार हमने अथक प्रयास किए, क्या हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, किस प्रकार हमने टेस्ट शेड्यूल रखे, किस प्रकार मोटिवेशन रखा, किस प्रकार विद्यार्थियों की मोटिवेशन सेमिनार रखी, किस प्रकार से हमने अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस का रखा, किस प्रकार से यूनिक साल भर का अपना चार्ट बनाकर काम करता है, एक प्लान बनाकर काम करता है, पर चर्चा करेंगे। इन सभी बातों की वार्ता के बाद आपको लगेगा यूनिक के लिए इस प्रकार के रिजल्ट निकालना बहुत ही सहज और आसान है। जैसा कि मैंने बताया 97.50% से हमने क्षेत्र में टॉपर रखा है, 90 प्लस 10 बच्चे हमारे रहे हैं, उसके अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों का बहुत सुंदर और सम्मानजनक परीक्षा फल रहा है। शास्त्री जी सर, आप हमें बताएं प्रतिशत के आधार पर किसी बच्चे का वास्तविक मूल्यांकन करना कितना जायज है? देखिए, वास्तव में प्रतिशत के आधार पर किसी भी विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो बच्चे का समग्र विकास करे, मैं उस शिक्षा का प्रबल समर्थन करता हूं और उसी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए यूनिक परिवार के सदस्य के रूप में सदैव अग्रसर में रहूंगा। बहुत अच्छा, अति सुंदर सीमित शब्दों में शास्त्री जी सर ने जवाब दिया कि प्रतिशत ही एक बच्चे का वास्तविक मूल्यांकन नहीं है, प्रतिशत के साथ साथ नैतिक और चारित्रिक दृष्टिकोण पर बल देकर शिक्षा प्रदान करना, ताकि मेरा विद्यार्थी आने वाले समय में समाज का एक वो समर्पित भाव रखने वाला युवा बने, जिसकी आज हमें आवश्यकता है। गुड। योगेंद्र जी सर, आप बताएं, आप यूनिक परिवार के बहुत पुराने सदस्य हैं, किस प्रकार से टेस्ट का शेड्यूल बनाकर यूनिक अपने रिजल्ट की स्ट्रेटेजी को एक साकार रूप देता है? सर्वप्रथम सभी अध्यापकगण अपने अपने विषय में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड
चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद में टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके द्वारा जो शिक्षा बच्चों को दी गई है उन्होंने कितने प्रतिशत तक ग्रहण किया है या उन्होंने उससे क्या सीखा है। उसके बाद अगर किसी प्रकार की उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई बच्चों के सामने डाउट आते हैं, तो उन्हें भी उसी दौरान में ही क्लियर किया जाता है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। आगे यूनिक संस्थान में पढ़ाने वाला टीचर तभी बढ़ता है जब पीछे के वो बच्चों के डाउट क्लियर कर देता है। बहुत अच्छे योगेंद्र सर ने बताया कि टेस्ट के शेड्यूल को सुंदर रूप देने के लिए टीचर अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं, ताकि बच्चा संपूर्ण रूप में सीख सके। बहुत अच्छे प्रवीण जी सर, आप यूनिक परिवार के वो होनहार सितारे हैं जो CLC के भी हिस्सा रहे हैं। आप टीचिंग का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। साइंस सब्जेक्ट के बारे में जब भी सुनते हैं लगता है कि ये बहुत ही अलग प्रकार का सब्जेक्ट है, या ये कह सकते हैं कि बड़े लेवल का सब्जेक्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सर ने कहा कि इसको एक बड़े हार्ड लेवल पर इसको माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान एक शब्द है जिसमें ज्ञान की विभिन्न शाखाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा। और बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है वो विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके थ्रू ही बनती है, जिसको हम अपने शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान विषय को पढ़ाने के बाद किसी भी टीचर के द्वारा बच्चा अपने IQ लेवल को डेवलप करता है, और जिस टॉपिक या जिस कंसेप्ट पे बच्चा काम कर रहा है, जितना एक अध्यापक सोचता है उतना ही विवश होकर एक बच्चा भी अपने दिमाग को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है। और जहाँ तक कि ये सब माना गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा जब तक अपने सब्र का, अपने विषय का, अपने ज्ञान का जब तक खुद को ही प्रयास नहीं करना पड़ता, तब तक किसी भी प्रकार के बच्चे के द्वारा उस सब्जेक्ट को पार नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कहना ये चाहता हूँ मैं कि विज्ञान सब्जेक्ट के द्वारा बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और वो स्वयं अपने विषय पर ही खुद कमांड कर पाता है। बहुत अच्छे। जैसा कि प्रवीण सर ने बताया कि विज्ञान अपने आप में कथा और बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वो ज्ञान का था भंडार है, उसी को आधार बनाकर एक बच्चा जीवन में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। गुड। हम संदीप जी सर से कुछ चंद सवाल करना चाहेंगे। संदीप जी, हॉस्टल की व्यवस्थाएं, हॉस्टल की सुविधाएं किस प्रकार से आपका यूनिक परिवार लेकर चलता है, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि अभी सर ने पूछा हॉस्टल की गतिविधियों के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि घर से दूर एक आदर्श घर है यूनिक हॉस्टल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉस्टल में जो चीज़ें होती हैं, सुबह जल्दी उठाना, उनको दुड़वाना, एक्सरसाइज करवाना, योगा करवाना, और विभिन्न प्रकार की सुबह वार्म अप जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवाई जाती हैं। उसके बाद में उनकी जो खाने की जो पौष्टिकता है वो डाइट और मिनरल से भरपूर होती है, और इसके सभी गवाह होंगे मेरे पुराने यूनिक हॉस्टलर जो यहाँ अपना रहकर गए हैं और एक अच्छा और बेहतर सुंदर रिजल्ट दिया है जिन्होंने। और मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हॉस्टल में एक्स्ट्रा क्लासेज और उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगवाई जाती है। बहुत अच्छे। संदीप जी ने हॉस्टल के बारे में बताया, घर से दूर एक आदर्श घर जिसमें दिन निकलने से दिन ढलने तक की सारी गतिविधियों को संक्षेप में बताया गया कि सुबह बच्चों का मॉर्निंग वॉक, उनका योगा, उनका एक्सरसाइज, मेडिटेशन से दिन की शुरुआत होगी, तो भला वो बच्चा कितना चार्मिंग फेस, कितनी पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए रहेगा। प्रॉपर मिनरल्स से भरपूर उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की व्यवस्था है, और सबसे मूल चीज जो मेन उद्देश्य बच्चे को हॉस्टल में डालने का है, इवनिंग और नाइट क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस जो यूनिक देता है, जो अपने आप में बहुत बेहतर है। सर ने बताया कि साक्षी इस बात के मेरे वो स्टूडेंट्स जो यूनिक हॉस्टल परिवार के हिस्सा रहे हैं। बहुत अच्छे। वेद प्रकाश जी सर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूनिक के पास कितनी है, कहां से कहां तक है, कितना आप रेडिएशन कवर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
यूनिक का जो ट्रांसपोर्ट है वो बड़ा ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर कम से कम 40-50 बसें हैं। वो जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, इधर अपने पदमाड़ा छापुर उधर लंबा रूट पड़ता है, इधर माजरी हरियाणा से टच है, तो सभी गांवों में लगभग यूनिक का ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होता है। और ट्रांसपोर्ट की एक सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि जैसे सर्दियों के अंदर कोहरा हो जाता है, फसलें अधिक हो जाती हैं, उस समय बच्चों के लिहाज से हमारा जो यूनिक है, जो ट्रांसपोर्ट है, हम उन बच्चों को घर तक उपलब्ध कराते हैं। ये एक यूनिक परिवार की बहुत ही जो ट्रांसपोर्ट है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सर्दियों के अंदर बच्चों को घर तक छोड़ना, उनकी पूरी मॉनिटरिंग करना। बच्चा एक घंटे बस में सफ़र करता है तो उस समय जो ड्राइवर लोग होते हैं वो भी एक अपने भाई बहन की तरह उनका ख्याल रखते हैं, और सभी जो जितने भी ड्राइवर होते हैं वो स्कूल में पहले मैनेजमेंट के द्वारा उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ड्राइवर के लिए रखा जाता है। बहुत अच्छे। यूनिक का ट्रांसपोर्टेशन आपको बताएं, राट क्षेत्र का, अपनी कल्चर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है। बहरोड से कहनावास तक इधर का ऐसा डूमडोली बनता है, इधर नारन रोड पर हरियाणा बॉर्डर बनता है, उसी प्रकार छापुर पदमाड़ा जो मुंडावर का हिस्सा बनता है उधर जैनपुर अश पहाड़ी तक का एरिया कवर करते हैं, इधर ढिंडोर से आगे हरियाणा सीमा तक, तीन तरफ यूनिक हरियाणा की सीमाओं को नज़दीक से छूता हुआ अपने ट्रांसपोर्ट के साथ एक सफल संस्थान का संचालन कर रहा है। जैसा कि हमारे वेद प्रकाश जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको लेकर मन में किसी प्रकार के भाव नकारात्मकता का नहीं ले सकते। मौसम बदलने पर अलग अलग रूप में बच्चों को लाने की और छोड़ने की व्यवस्थाएं ताकि सुगमता रहे, क्योंकि एक संस्थान का ट्रांसपोर्टेशन भी उसकी उपलब्धियों का भागीदार बनता है। जी, इसी क्रम में मैं शास्त्री जी सर से एक बार फिर से जानकारी लेना चाहूंगा। शास्त्री जी सर, मोटिवेशनल सेमिनार जो यूनिक का हिस्सा है, पूर्व में भी काफी बार विद्यार्थियों के जरिए सुनने को मिला कि मोटिवेशनल सेमिनार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में विचार सबसे बड़ा होता है। विचार में परिवर्तन कब आ जाए, किस परिस्थिति में आ जाए, और परिवर्तन वो शारीरिक है या मानसिक, ये सब चीज़ें हम जब देखेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा अगर माध्यम कोई चीज़ होता है वो हमारा मोटिवेशन सेमिनार होता है। उस मोटिवेशन सेमिनार के माध्यम से हम बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना दृढ़ता के साथ में उसको तैयार करते हैं। किसी भी प्रकार का यदि उनमें विकार हमें दृष्टिगत होता है तो उन विकारों को मनोवैज्ञानिक तरीके से दूर किया जाता है, और उसके वो उपकरण हम अपनाते हैं जिससे कि बच्चे में मानसिक रूप से दृढ़ता आए, और उसमें आए हुए जो विचार हैं वो हमारे मोटिवेशनल विशेषज्ञों के द्वारा, संस्था के हमारे अध्यापकों के द्वारा, सभी के द्वारा, और यदि इसके बाद भी कई बच्चे में कुछ भाव बचते हैं तो हमारे डायरेक्टर सर स्वयं व्यक्तिगत रूप से बच्चे की उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से हम मोटिवेशन के माध्यम से बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा और सुंदर जवाब दिया शास्त्री जी सर आपने। आपको बताना चाहेंगे, जिस प्रकार बच्चे को एकेडमिक पार्ट में एक बेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार एक टॉनिक के तौर पर उसको मोटिवेशन की भी आवश्यकता रहती है। मोटिवेशन एक प्रकार का वो हिडन बूस्टिंग प्रोडक्ट है, बूस्टिंग थिंग है, जो बच्चे के ब्रेन को वॉश करता है, ब्रेन को ब्रशिंग करता है, उसके दिमाग की चमक को बरकरार रखता है, उसके अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखता है। समय समय पर यूनिक परिवार IAS, IPS, SDM, RS लेवल के विभिन्न पदाधिकारियों को बुलाकर अपने विद्यार्थियों की सेमिनार और काउंसलिंग करवाता है। जब सामने एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श अधिकारी अपनी बात रखता है तो एक विद्यार्थी उसको बहुत सहजता से, सरलता से सीखता है। यही हमारे शास्त्री जी सर कहना चाह रहे हैं, जिससे एक बच्चा सर्वांगीणता की ओर अग्रसर होता है।
हमारे इस सत्र के अंतिम पड़ाव में मैं हमारे युवा टीम मेंबर श्रीमान प्रवीण जी से जानकारी लेना चाहूंगा। एक क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं सर, कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज भी है। यदि आपके सामने बिलो एवरेज स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट आता है और उसको कुछ साइंस में प्रॉब्लम्स और टास्क, किस प्रकार से आप उसको देंगे? जैसा कि एक क्लास जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के या सभी प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें कुछ हाई ब्रिलियंट रहते हैं या ये लोगों की सिर्फ थिंकिंग ही शब्दों का खेल है। हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल चीज़ होती है। जैसा कि कहा गया है सर के द्वारा कि उनको हम किस प्रकार के टास्क देते हैं, ब्रिलियंट हो चाहे एवरेज या बिलो एवरेज, सभी की क्यूरियोसिटी पे अगर अपन बिलीव करते हैं, टीचर अगर पूरा विश्वास करके एक बच्चे को कंप्लीट टास्क देता है तो वो बच्चा अपनी पूरी जान लगाता है। बस हमको करना क्या है कि एक बच्चे पे पूरा विश्वास दिखाना है, विभिन्न प्रकार के टास्क देकर या उनको आइडियोलॉजी थीम पर काम करवा के हम बच्चे का विकास कर सकते हैं और बच्चों के मन में जो भय बैठा हुआ है विज्ञान का या साइंस का, उसको हम ग्राउंड लेवल पर कम कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा और सुंदर जवाब दिया प्रवीण जी सर आपने। वेद प्रकाश जी हमारे अभिभावक भी रहे हैं और संस्थान के मैनेजमेंट के हिस्सा भी हैं। यूनिक अपने स्कूलिंग में क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ में फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चों को सैनिक, नवोदय, मिलिट्री की प्रिपरेशंस करवाता है। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ में कैरियर पॉइंट कोटा की फ्रेंचाइजी के जरिए हमारे पास फ्री फाउंडेशन और फ्री फाउंडेशन की व्यवस्था है, जिसमें मैनेजमेंट कोटा से है, टीचर्स कोटा से हैं, मॉड्यूल्स कोटा से हैं, वीडियो लिंक्स कोटा से हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोटा से, एवरीथिंग इज फ्रॉम कोटा। उस कल्चर के आधार पर हम अपने बच्चों को एसटीएससी, ओलंपियाड, नीट और आईआईटी की प्रिपरेशंस करवाते हैं। उसी क्रम में हमारे वेद प्रकाश जी सर की गुड़िया ने नीट क्वालिफाई कर राजस्थान के सबसे टॉप कॉलेज में मेरी बिटिया इस समय एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। एकेडमिक के साथ साथ हमने बिटिया को अपने भैया पर फाउंडेशन दिया, फिर हमने उसको तैयारी करवाई। वेद सर, बिटिया के नीट के सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले यूनिक स्कूल में केवल क्या था, परसेंटेज थी। सर ने खूब मेरिट निकाली, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय काफ़ी परसेंटेज दी, लेकिन एक परसेंटेज का जीवन में महत्व नहीं होता है। तो सर ने थोड़ा चेंज किया, इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ चाहे कर परसेंटेज, मेरी बच्ची की 92% बनी, वो बच्ची 98 की थी लेकिन 92 बनी, उस बात को मेरी खुशी है कि सर ने उसके साथ साथ थोड़ा फाउंडेशन कराया, थोड़ी उसको अदर से एक्टिविटीज़ करवाई। आज का युग है पढ़ाई के साथ साथ परसेंटेज के जो है उसके साथ हमें फाउंडेशन कोर्स ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों का, और आज इसी के लिए सर ने कैरियर पॉइंट कोटा चुना है कि उन्होंने छठी क्लास से लेकर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में फाउंडेशन बच्चों का यदि पढ़ाई के साथ साथ चलता रहे तो कोई भी जो कंपटीशन है जैसे नीट है, आईआईटी है, उनमें बच्चे आसानी से सिलेक्शन दे सकते हैं, उनको एक लंबा समय नहीं लगेगा। तो मैं यूनिक स्कूल का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तैयारी कराई, परसेंटेज कुछ कम रही लेकिन बेटी ने ऑल इंडिया 811वीं रैंक हासिल की, तो मैं सदा यूनिक का आभार व्यक्त करता रहूँगा। बहुत अच्छे वेद प्रकाश जी, 92% के साथ बेटिया ने ट्वेल्थ किया था, बिकॉज वो फाउंडेशन थीम को भी लेकर चल रही थी। सर ने बताया कि सिलेक्शन एक बड़ी चीज है, तो मैं अपने सभी आदरणीय अभिभावकों, व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति के जरिए फिफ्थ, एट, टेंथ क्लास के बोर्ड भी आगामी समय में बंद किए जाने का प्रावधान आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपके साथ आगामी सत्र में फाउंडेशन के अच्छे और बेहतर रिजल्ट के साथ प्रस्तुत होंगे। मेरे क्षेत्र को एक पहचान दिलाऊंगा, अच्छी मेहनत करूंगा, इसी प्रकार के बेहतर रिजल्ट्स जीवन में रखूंगा, मेरे क्षेत्र के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सदैव उनके साथ कंधा बनकर सुमित यादव खड़ा रहेगा। इस सत्र के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मेरा वो क्षेत्र का प्रतिभाशाली युवा किसी भी आर्थिक फाइनेंशियली रीजन से यूनिक को ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो मुझसे व्यक्तिगत मिले, मैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को समझकर उसकी पढ़ाई में
पैसा बाध्य नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।